माई अमेजिंग बॉयफ्रेंड पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक इसके बाकी के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो अब क्या ही बोलूँ अगर नहीं देखें तो देखो यार लिंक शाह जब वापस घर जाता है तो देखता है कि ज्यांग जी सोफे पर सो गई है इसके बाद वो चेंग जी को उठाता है और उसके बेड पर उसे सुला देता है दरअसल जंग जी तब से नाटक ही कर रही थी वो सोई भी नहीं थी इसके बाद वो आंखें खोल कर लिंग शाह को देखती है और कहती है कि कभी कोल्ड होता है तो कभी इतना स्वीट हर्ट बन जाता है इस बंदे में क्या बात है असिस्टेंट फेंक सुबह जहांगजी को लेने के लिए आता है और आपको पता है ना कि आज, आज आपको अपने मॉम एंड डैड को विजिट करने के लिए जाना है वो भी लिंकाव के साथ अभी कहती है कि वो तो सुबह ही निकल गया दरअसल वो रात को आया ही नहीं जबकि उसे पता था कि वो रात को आया था इसके बाद अपने डैड के घर के बाहर बैठी थी और उसे पता है कि अगर लिंक नहीं आएगा तो उसकी मॉम उसे घर में भी एंट्री नहीं देंगी इसके बाद वो असिस्टेंट फेंक घर के बाहर ही बैठे हुए थे लिंग शाव आए और वो अंदर जाए यहीं पर जांग के डैड आते हैं और वो यहाँ पर एक कार को देखते हैं रखते हैं शायद शॉ की है बट वो कार लिंग की नहीं होती इसके बाद डैड कहते हैं कि लिंक कहाँ है क्या तुमने मेरे ने लॉ से झगड़ा किया है तय तो कहती है कि नहीं डैड मैं क्यों झगड़ा करूंगी इतने में लिंक एक बहुत ही महंगी कार में एंट्री मारता है और डैड ये देख कर अनवेज ही हो जाते हैं उस साथ में जांग जी और असिस्टेंट फैंक भी उसे ये देख रहे थे कि भाई ये इतनी महंगी कार लेकर कहाँ से आया कार से नीचे करता तो है और उस कार को जांग जी के डैड को ऐसे गिफ्ट प्रेजेंट करता है तभी उसके डैड का कि उसके डैड का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और कहते हैं कि इतनी महंगी कार और जब वो दोनों घर में एंटर करते हैं तो यहाँ पर डैड और उसकी मॉम अपने सने लॉ का गिफ्ट लेने के लिए तैयार थे बट जांग जी मना कर दिए कि मॉम एंड डैड आप इतने ज्यादा मीन कैसे हो सकते हैं इसे मत एक्सेप्ट कीजिए तभी शो कहते हैं कि आप मुझे अपना सन एल लॉ नहीं समझते काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है तभी यहाँ पर उसकी मोम कहती है कि नहीं अपने सन एल लॉ को दुखी नहीं कर सकते और उसका एक छोटा सा गिफ्ट तो हम ले ही सकते हैं कार महंगी है बट इतनी भी नहीं है यहाँ पर जंग जी काफ़ी ज़्यादा एम्बेस हो रही थी अपने पेरेंट्स की वजह से बट उसके पेरेंट्स कहाँ मानने वाले थे वो गिफ्ट बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं आखिर उनके सन एल लॉ ने उन्हें जो दिया था जी और लिंगशो एक साथ एक कमरे में लड़ रहे होते हैं बिकॉज जी को लग रहा था शायद ये पर लाया है इस कार को अब अगर इसने खरीद लिया है तो पैसे भी उसे ही चुकाने पड़ेंगे तो लिंगशो से एक शॉकिंग न्यूज देता है है और कहता है कि उसने पहले ही ये ये सब कुछ ये कार अपने पैसों से खरीदी है और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तभी वो दोनों सुनते हैं कि की जी के फादर वहां पर आ रहे हैं इसके बाद ये दोनों बड़े प्यार से एक बुक को पढ़ने लगते हैं तभी उनके डैड कहते हैं कि सॉरी मैंने तुम दो दोनों को डिस्टर्ब किया बट तुम दोनों खाने के लिए आ जाओ लिंगशा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है यहाँ पर यान जी लिंक से सॉरी बोलता है बिकॉज जो ग्रांडमा थी उन्होंने आकर कन्फेशन दिया था कि लिंशा बस उनकी हेल्प कर रहा था और इसके बाद लिंको के ऊपर जो, जो इल्जाम था वो हट चुका था या भाई यान जी भी लिंको से सॉरी बोलता है तभी हम ज्यांगजी को देखते हैं जो की लिंगशाओ का पुलिस स्टेशन के बाहर वेट जो कर रही थी नहीं पर जब लिंग माँ के साथ बाहर आता है तो ग्रांडमा उसे कहती है कि, कि मेरी ग्रांड डॉटर है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है क्या तुम तो उससे शादी करोगे तभी यहाँ पर जांग जी आकर लिंगशा से चिपक जाती है और वो एक तरह से उससे लटक की जाती है और कहती है कि नहीं ग्रांड माँ ये पहले ही से मेरा बॉयफ्रेंड है तो आपका चांस नहीं लग सकता तभी ग्रांड माओ से घूर कर देखती हैं और कहती हैं चिपकू गयी यही पर जब जब जी आता है तो जांग जी उसे देखकर हट जाती है बिकॉज इन जो हो रहा था तभी हम उसी विलन को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरी सुना रहा था कि वो पास्ट में की तरह काफी दिनों से जिंदा है मतलब काफी सालों से फिर वो बताता है कि जब वो छोटा था तो एक बार उसके मॉम एंड डैड को गुंडों ने पकड़ लिया था जिसके बाद उसकी मॉम भागकर के पास आ गई थी इसके बाद ने उसका काफी ख्याल रखा था लेकिन उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा लिंगशा इतने सालों तक जिंदा रह सकता है तो वो क्यों नहीं और उसके बाद उसने ये सब प्लान कर लिया लिशा और चांगजी के लिए काफी अच्छा खाना बनाता है मतलब देखने भी तो अच्छा लग रहा था तभी यांग जी इसके लिए काफी ज्यादा अमेज होती है और कहती है क्या तुमने सच में अच्छा बनाया था

तो उसकी गर्लफ्रेंड जो थी जी कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि ट्रीटमेंट नहीं मैंने बॉयफ्रेंड के लिए बचा कर रखी थी और तुमने वो भी स्टोर कर ली यहीं यही अपने पुराना घर विजिट करने के लिए जाता है जो कि अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका था इसके बाद वो जांगजी काफी सारी फोटो खींचता है उसके बाद उसे अनॉय भी करता है और उसे एक एक कर वहाँ पर ले गया था कि उसने बहुत सारा पुराना खजाना वहाँ पर जमा किया हुआ है तो वो उसे निकाल कर दे देगा और उसके बाद उससे काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे और जांगनी को पैसा पैसा सुनकर तो बिल्कुल पैसे पैसे वाली खुशी हो गई थी इसके बाद जो वहाँ पर जाता है तो उसे एक पुराना कंगन वहाँ से निकाल कर देता है जिसकी कीमत आज के लाखों में थी जांगजी कहती है कि वाह ये मेरा पहला इतना प्यारा सा गिफ्ट है फिर वो उसे काफ़ी टाइम तक अपने पास रखती है पर उसे वापस कर देती है और कहती है कि नहीं ये तुम्हारी मॉम की निशानी है और तुम मुझे ऐसे कैसे दे सकते हो मैं तो तुम्हारी रियर वाली गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ मैं ऐसे नहीं ले सकती यहीं पर याम जी को देखें तो हमें पता चलता है कि यान जी काफी ज्यादा बीमार है उसे एक ऐसी बीमारी जिसका क्योर कभी नहीं हो सकता और जल्दी ही वो मरने वाला है यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि प्लीज इसे राह ही रखेगा मैं नहीं चाहता ये सब किसी को पता चले इतने में ही जी, जी उसके घर पर दस्तक देती है और वो आज काफी खुश मूड में थी इसके बाद वो यान जी के घर में एंटर करती है और यहाँ पर यान जी से देखकर काफी ज्यादा खुश था पर हम बताएं तो ये सब परपजली किया गया था इनके मास्टर प्लान का ये हिस्सा था लिंग शाह यान जी के कंप्यूटर में झांकना चाहता था कि आखिर वो किस बात पर स्टडी कर रहा है और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची इसके वेल प्लान होकर ये सब करते हैं यहाँ पर यान जी का भी इमोशनल होकर जियांग जी, जी को हक कर लेता और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कुछ मिनट पहले ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था पर तुम्हें देखकर मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ तभी यहाँ पर जियांग जी कहती है क्या तुम ठीक हो मतलब तुम इतनी वियर्ड बातें कैसे कर रहे हो लिंक कंप्यूटर खोलता है तो उसमें पासवर्ड था तभी यहाँ पर वो कहता है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है तभी वॉशरूम में जाकर कहती है कि उसे नहीं पता तभी वो कहता है कि इस घर का जो पासवर्ड है वो अभी भी तुम्हारा बर्थडे है इस कंप्यूटर का पासवर्ड भी तुम्हारा बर्थडे ही होगा वो अपनी डेट बताती है कि उसका बर्थडे किस दिन पड़ता है और सच में उसका पासवर्ड अभी तक उसका बर्थडे ही था तभी यहाँ पर लिंक सोचता है कि एक बंदा जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को डम कर दिया उसका पासवर्ड अभी तक उसी का बर्थडे है मतलब तो नहीं हो सकता

पहले ही मार चुके हैं जब जांग जी सब देखती है तो काफी तो डर जाती है से करता और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ हूँ ना साथ, कुछ नहीं होगा की की तो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनकी जो फैमिली है उनकी जो छोटी बेटी एनी है वो उन्हीं विलन के कब्जे में इसके बाद वो उस विलन के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं और वो चाहते है कि डॉर्मेंट बॉडी जल्दी मिल जाए यानी कि लिंक जल्दी मिल जाए ताकि वो विलन उनकी बेटी

ये जो इनको अपनी स्टडी से पता लगता है और वो इस बात पर यकीन भी करता है कि वो डोरमेंट बॉडी अब जिंदा हो चुकी है क्योंकि अगर वो जिंदा नहीं हुई होती तो उसकी सुराख तो भी मिल ही जाते और उसे पता है कि वो डोरमेंट बॉडी इतने सालों से मम्मी की हालत में पड़ी हुई है मतलब उसे इस दुनिया में एडजस्ट होने में टाइम तो लग रहा होगा मतलब वो कहीं पर छुपा हुआ है ये बात जब जी को बताता है तो यकीन नहीं करता इसके बाद वो दोनों मिलकर एक वही अंकल के पास जाते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम लिंगशा को देखा था जांगजी वो किस कर रहा था उसे बचाने के लिए और उनके पलक झपकते ही लिंगशा वहां से गायब हो गया लिंगशा को देखा भी था कि वो बंदा जिंदा हो गया है इसके बाद उसकी आउटफिट भी वो दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि हाँ उसने यही कपड़े पहने हुए थे जी इसके बाद जांगजी के घर पर जाता है उसके बाद वो लिंगशा को अरेस्ट कर स्टेशन पर ले जाता है इसके बाद वो कहता है कि क्राइम साइट पर क्यों गए थे तभी वो वो कहता है कि बस से जा रहा था इसके बाद उसे आहट मिली और उसके बाद उस घर में एंटर कर गया उसका उस मर्डर से कोई भी ताल्लुक नहीं है पर यान जी कहा मानने वाला था जी, जी भी उसका काफी बेसब्री से वेट कर रही थी वेट करते करते वहीं पर सो जाती है और इसके बाद जब जी उसके पास आता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस चली जाओ तभी वो कहती है कि क्यों तुम्हें मुझसे क्या मतलब और तुमने मेरी कार में ट्रैकिंग डिवाइस क्यों लगाया था क्या तुम उस पर नजर रखना चाहते थे तो ये उसे क्लियर करती है कि अब उनका रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है तो प्लीज तुम पुलिस ऑफिसर होने के नाते कुछ भी नहीं कर सकते ये भी प्राइवेट लाइफ है और अगर उसके बाद उसकी कार की चाबी उसे फेंक कर मार देती है और कहती है की रखो एक कार मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और प्लीज मेरा पीछा पीछा छोड़ो मिस्टर जी को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं तभी उन दोनों का कोई पीछा करने लगता है इसके बाद लिंगशा को फील होता है कि ज्यांग जी किसी खतरे में है। ये पर जी लिंगशा को फोन लगा रही थी और लिंगशा ये उसकी हाथ दूर से ही सुनता है इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलने के लिए होता है तोड़ देता है यहाँ पर ऑफिसर से कहता है मुझ पर बंदूक लगाने से अच्छा उस फोन को जल्दी

श्यांग जी सोच रही थी कि आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी इसलिए उनसे झूठ बोला बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ माम लिंग शाव पर ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें जांग जी पर तो घंटा भी ट्रस्ट नहीं था ज्यांग जी को रात में सपना आता है कि लिंग शाव तो इमोटल है तो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा लेकिन उसका क्या वो तो बूढ़ी हो जाएगी इसका तो सोचती है कि लिंग शाव अपनी एक फ्यूचर वाइफ और अपनी बेटी के साथ उससे मिलने के लिए आता है और वो यहाँ पर यांग जी को ग्रांड माँ बुलाता है इसके बाद ज्यांग जी उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसा सब कहने की इसके बाद वो बैठ से गिर जाती है यहाँ पर लिंक उसे उठाने के लिए आता है तो लिंक का सच में गला पकड़ लेती है और कहती है तो देखती है क्या कर रही है तय कहता है की नहीं ये ने आपको गिफ्ट की है और ये उनका एक प्यारा सतोफा है बिकॉज वो कार काफी ज्यादा बड़ी थी और ये वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी सोचती है कि वो तो लिंकाओ से अभी गुस्सा होने का नाटक करेगी इसके बाद जब उसे कॉल करती है तो उसे थैंक यू बोलती ही रह जाती है तभी यहाँ पर लिंक फोन भी कट कर देता है पर गुस्सा तो ही नहीं पाती बस उसे यही किया जाती है कि थैंक यू तुम्हारा गिफ्ट अमेजिंग था और ये बिल्कुल मुझे टस्ट कर गया ट जांग जी लिंगशाओ से मिलने के लिए टाई कमांडो क्लब जाती है तभी यहाँ पर मैं आपको बताना तो नहीं चाहता बट प्लीज वहाँ पर नहीं जाइए जब वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि यहाँ पर लड़कियों की भीड़ लगी हैरी जाती है और वो किसी आइडल से कम नहीं था इसके बाद सभी उसकी फोटो वीडियो बना रही थी और जांज जी को उसमें से झांकने तक का मौका नहीं मिलता इसके बाद वो बाहर निकलती है तो यहाँ वो लिंगशा को एक लेडी के साथ देखती है उसी बच्चे की मोम के साथ इसके बाद उसे फॉलो करती है बट बेचारी फॉलो करते करते उसे काफी उसका सीडी पर वेट कर रहा था तो वो कहता है कि सुनो तो मुझे करना बंद कर दो अब चलो हम घर पर चलते हैं और वो वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना ही मैं उसे प्यार करता हूँ दरअसल वो मेरे टाईकमांडो क्लब में जो बच्चा स्ट्राइक कमांडो सीखता है उसकी मोम है इसलिए वो यहाँ पर उसने ड्रॉप करने के लिए आया था और ज़्यादा सोचना बंद कर दो और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है इसको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ